हे एवरीवन, आप देख रहे हैं अमेजिंग सब ब्यूटीफुल पंजाबी कपल एम्ब्रॉयडरी हुप। यह है आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में और है भी काफ़ी ज़्यादा प्रिटी ब्यूटीफुल एंड यूनिक गिफ्ट आइटम जो कि आप दे सकते हैं किसी को भी उनकी मैरिज पर या एनिवर्सरी पर। तो आप और हम मिलकर बनाएंगे इन्हें घर पर बिल्कुल ही आसानी से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिया है मैंने ये एम्ब्रॉयडरी थ्रेड, इसे हम टर्बन बनाएंगे। ये देखिए, पग बनाने के लिए आप ऊपर से नीचे की तरफ स्टिचेस लगाएंगे। सेंटर से मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँगी। ये देखिए, ऊपर से नीचे की तरफ आपको पूरा पार्ट कवर करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ओवरलैप होने के बाद पीछे से कुछ भी नहीं दिखेगा। बस इसी तरह से हम सारी लाइंस को कवर कर लेंगे। पहले सेंटर का स्ट्रेट पार्ट, इसी तरह से वन बाय वन। नेक्स्ट हम राइट टू लेफ्ट लेंगे, उसके बाद लेफ्ट टू राइट लेंगे। आप किसी भी साइड से स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने राइट टू लेफ्ट करा है और स्लाइडिंग स्टिचेस लगाए हैं। ये देखिए, उसके बाद मैंने लिया है लेफ्ट टू राइट साइड। इसके बाद ये देखिए, बैक साइड कुछ भी नहीं दिख रहा है और पग हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। इसके बाद हम बनाएंगे अपनी ब्राइड का हेयर स्टाइल। मैं बना रही हूँ यहाँ पे बन। बन बनाने के लिए पहले लिया है ये लाइट ब्राउन कलर का थ्रेड। आप कोई भी कलर ले सकते हैं, चाहो तो ब्लैक कलर से भी बना सकते हो, कोई भी हेयर स्टाइल बना सकते हो। आप चाहो तो ब्रेड बनाइए, पोनी बनाइए। ये देखिए, इसके बाद मैंने सेंटर पार्ट छोड़ दिया है क्योंकि उसके लिए हम लॉन्ग लॉन्ग स्ट्रैंड लेंगे। ये देखिए, एक थंब से मैं इन्हें होल्ड करती जा रही हूँ। चाहो तो आप वहाँ पे सेफ्टी पिन भी लगा सकते हो। बस इसके बाद हमें इस तरह ट्विस्ट करना है थ्रेड्स को, और जैसे हम अपने बन बनाते हैं सेम उसी मैनर में थ्रेड्स को टर्न करके एंड्स को पीछे की तरफ छुपाते हुए और बस नॉर्मल थ्रेड से स्टिचेस लगा लेंगे। इसके बाद हो जाएगा हमारी ब्राइड का बन रेडी। ये देखिए, इसके ऊपर मैं रोजेस बना रही हूँ। रोजेस काफ़ी प्रिटी लगते हैं। बस आपको फ्रेंच नॉट के लिए ऐसे नीडल को थ्रेड पर दो बार टर्न करना है और धीरे धीरे छोड़ते जाना। एक बार फिर देखिए, थ्रेड को आप दूसरे थंब की हेल्प से नीडल के ऊपर दो बार टर्न कीजिए। होल्ड करे रखिए वरना नॉट लग जाएगी। बस इसी तरह से धीरे धीरे छोड़ते जाइए, पीछे की तरफ फ्रेंच नॉट बन जाएगी। इसी तरीके से मैंने पूरा हेयर स्टाइल कवर कर लिया है और फ्लावर बुके भी इसी मैनर में बनाया। काफ़ी प्रिटी लग रहा है ना। इसके बाद हम बनाएंगे अपने ब्राइड का लहंगा। लहंगा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैंने लिया है वेलवेट कलर का, वेलवेट स्टाइल में मरून कलर का लहंगा। ये देखिए, इस पे मैंने गोल्डन पेंट से स्ट्रेट स्ट्रेट लाइंस बनाई हैं। उसके बाद मैंने लगाई हैं थ्री टाइप की लेसेस। सेंटर में सबसे बड़ी लहंगे वाली लेस है, उसके ऊपर गोल्डन और नीचे ट्रायंगुलर लेसेस लगाई। आप कैसे भी इसे कस्टमाइज कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग। आप इसे लाइट वेट रखना चाहो तो सिंपल एक लेसेस भी काम चल जाएगा। चाहो तो वेलवेट का भी लहंगा बना सकते हो, नेट का बना सकते हो, एनी टाइप ऑफ फैब्रिक इससे आप लहंगे बना सकते हो। बस अब सिंपली मैं इन्हें स्टिच कर दूंगी सेंटर पे। ये देखिए, टाइटली मैंने स्टिचेस लगा लिए हैं। इसके बाद मैंने लिया है नेट का फैब्रिक, उसके ऊपर मैंने लगाई है सेम वही वाली लेस गोल्डन कलर की। इसे भी मैं शोल्डर पर ऐसे स्टिच कर दूंगी और जो रिमेनिंग एंड पार्ट है उसे भी मैं यहाँ इस तरीके से लहंगे के पीछे स्टिच कर दूंगी। और ये हैं टैसल्स। मैंने इस पर ऑलरेडी कई सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने दो कलर का रेड कलर के लाइंस ली हैं और सेंटर पे क्रीम कलर की टैसल्स ली हैं। बस ये हो गया है हमारा कपल एम्ब्रॉयडरी हूप रेडी। काफ़ी प्रिटी और अमेजिंग लग रहा है। ये है बिल्कुल ही यूनिक आइडिया। आप तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के लिए बना सकते हो, उन्हें गिफ्ट कर सकते हो, या आप चाहो तो अपने होम डेकोर के लिए भी एज अ मेमोरी के लिए बना सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ज़रा भी पसंद आया हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट्स करके आप मुझसे कोई भी आपकी जो क्वेरी है, प्रॉब्लम है, मुझसे पूछ सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें और फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। ऐसे अमेजिंग से आइडियाज़ आपको वहाँ पे मिल सकते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय।